राजधानी की साइबर पुलिस टीम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम पर शहर के राजा भोज विमानतल पर इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। साइबर पुलिस टीम ने 5 आरोपियों के पास से मामले में उपयुक्त होने वाले मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी दक्षिण साई कृष्ण थोटा ने मीडिया कर्मियों को बताया कि आरोपी बेरोजगार युवाओं को टारगेट करके उनके साथ ठगी करने का लंबे समय से काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शातिर अपराधियों द्वारा समय समय पर स्थान परिवर्तन कर कॉल सेंटर का संचालन किया जाता था और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं इंडिगो एयरलाइंस के फर्जी लेटर हेड व फर्जी जीएसटी नंबर तैयार कर बेरोजगार युवकों को टारगेट कर उनके साथ ठगी की जाती थी। साइबर पुलिस भोपाल ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाते थे। पिछले 3 साल से ये लोग ये काम करते आ रहे हैं। गाजियाबाद से इनका ऑपरेशन था। ये लोग करते ये थे कि जो बेरोजगार युवा हैं इनका अलग अलग जगहों से इनका डेटाबेस गैदर करते थे, फिर इनको फ़ोन किया जाता था कि आपका मतलब आपको नौकरी की तलाश है, इस टाइप का फ़ोन आता था। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कहते थे कि हर एक चीज़ के लिए हम आपको नौकरी लगाएंगे। और टिपिकली इनका कहना होता था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या जो एयरलाइंस के नाम है, जैसे हमारा जो केस है इसमें इंडिगो एयरलाइंस के नाम से इन लोगों ने फ्रॉड किया है कि इसमें आपको एग्जीक्यूटिव की नौकरी दिलाएंगे। ये कह के कि इन लोगों ने लगभग अलग अलग लोगों से, जैसे जो अभी हमारे पास केस है इसमें अराउंड 26,000 रुपये इन्होंने एक व्यक्ति से लिए हैं। अलग अलग स्टेजेस होते हैं इसमें, एक तो रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा लेते हैं। इन लोगों ने इस केस में तो क्वेश्चन पेपर भी दिया था, जॉब ऑफर लेटर भी दिया था और अलग अलग स्टेप पे पैसा लेते लेते इन्होंने इससे 26,000 कलेक्ट किए थे। हमारे पास कंप्लेंट्स या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो एयरपोर्ट जो भोपाल एयरपोर्ट है यहाँ से भी आती रहती थी कि आए दिन हमारे पास लड़के आते हैं जो ये बोलते हैं कि आप लोगों ने तो मुझे जॉब दिया है, जॉब पे लीजिए, जबकि उनको वापस भेजना पड़ता था। उनके पास लेटर हेड्स भी होते थे और जॉब संबंधी दस्तावेज भी होते थे जो सारे इनके पास से मिले हैं। ये सभी आरोपी इससे पहले भी कई राज्यों में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने अब तक देश के कई राज्यों में लगभग 1,20,00,000 रुपए की धोखाधड़ी बेरोजगार युवकों के साथ की है। मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।